फ्रेंड, मेरा नाम है सुमंत मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज के इस वीडियो में मैं कुछ कमेंट्स के बारे में जवाब देने वाला हूं, और जिसमें कि कुछ मेरे जो वीडियो पहले के बने हुए हैं, जिनमें से एक वीडियो था जिसमें कि आप व्हाट्सअप के जो स्टेटस वगैरह है वो MX प्लेयर में किस तरह से देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका MX प्लेयर का ऑप्शन है उसके लिए पहले आपको सेटिंग में जाकर वहाँ पर हिडन फोल्डर को ऑन करना होता था, तो जिसमें आप वहाँ पर स्टेटस देख पाते थे व्हाट्सएप के। लेकिन MX प्लेयर के अपडेट्स होने के बाद आपको जो व्हाट्सएप सेवर का ऑप्शन आपको सीधे आपके जो स्क्रीन है उस पर आ गया था। जैसे आप MX प्लेयर ऑन करते थे तो वहीं पर आपको व्हाट्सएप सेवर का ऑप्शन वहाँ पर दिख जाता था ऊपर। लेकिन अभी क्या है, कुछ लोगों को मेरे ये कमेंट आया, सर हमारा वहाँ से व्हाट्सएप स्टेटस का ऑप्शन कट गया है या रिमूव हो गया है या धोखे से, जिस भी तरह से आपका व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सर हम उसको जो हमारे व्हाट्सएप वीडियो हैं उसको हम कैसे देखें। तो इस वीडियो में ही मैं उन कमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो MX प्लेयर का अपडेट्स है वो वहाँ पर टाइम टू टाइम वहाँ अपने हिसाब से उनका आता रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप का जो आप बता रहे हैं व्हाट्सएप सेवर का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, और आप किस तरह से MX प्लेयर में जाकर ही आप व्हाट्सएप के जो वीडियोस हैं उसको सेव कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, और उसको किस तरह से आप वहाँ से MX प्लेयर से डायरेक्टली व्हाट्सएप में कैसे जाएंगे। तो यहाँ के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे यहाँ पर अपने व्हाट्सएप के वीडियो को MX प्लेयर में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे जो यहाँ पर बेल का ऑप्शन आ रहा है तो उसको भी जरूर दबा लीजिए। और चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि आप किस तरह से उसका यूज करके आप तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना MX प्लेयर ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर आगे दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ऐसे यहाँ पर MX प्लेयर खुल जाएगा। इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। तो मैंने जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि आपको राइट क्लिक पर नहीं क्लिक करना है, ये थ्री डॉट जो दिख रहे हैं आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में करना है, जहाँ पर फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप क्लिक करेंगे उसको आपको व्हाट्सअप ऐप स्टेटस सर्वर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंट और सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर और नीचे आपको ओपन व्हाट्सअप का भी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि तो अभी आपका जो यहाँ पर MX प्लेयर है वो व्हाट्सअप से अभी लिंक नहीं है। तो इसको लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका लिंक है उसके बाद भी आपका व्हाट्सअप में वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर रिफ्रेश का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके लिंक होने के बाद आपके जो स्टेटस है वहाँ पर सीधे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले आपको लिंक करने के लिए ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, और जैसे आप ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आप व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और आपका जो स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाएगा। किसी पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर बैक आ जाइए, तो वहीं स्क्रीन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके जो भी स्टेटस हैं यहाँ पर रिसेंट में सारे अपडेट हो जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो स्टेटस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन स्टेटस को हम प्ले करके देखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर इन्हें डाउनलोड करेंगे और सेम में किस तरह से दिख रहे हैं, तो इस तरह से आपको दिखता जाएगा, तो आपको इसी स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे कि मैं एक वीडियो पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर वीडियो देखिए अभी प्ले हो गया है, और यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो यहाँ पर बैक कर दिया मैंने। और आपको जिसको यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको ये गैरो बन के आ रहा है डाउनलोड का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेव्ड वाले में वो चला जाएगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख के, और फिर आपको दूसरा भी करना है, तो दूसरे पर भी आप ऐसे ही क्लिक करेंगे और वो भी सेम में आ जाएगा। तो आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव में, अभी यहाँ पर दोनों वीडियो जो हमने डाउनलोड किए हैं वो आ चुके हैं, तो आप इस तरह से इन्हें देख सकते हैं और इस तरह से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।